तो अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं आया हूँ इधर खेत पे। यूरिया उड़ाएंगे, इसमें फर्स्ट पानी छोड़ना है याले गेहूँ में अपने को। ये तो अभी एक बोरी आया हूँ लेके, ये उड़ाते हैं। और ये ऊपर वाले गेहूँ दिख रहा है, इधर भी उड़ाना है अपने को और उसमें पानी, तो फटाफट उड़ाते हैं जो हमसे भी खेत में छोड़ना है अपने को छोड़ लेंगे। पानी में अपन लेट हो रहे हैं क्योंकि अपनी मोटर ने बहुत परेशान कर दिया था अपने को, इसलिए तो उड़ाता हूँ और फिर मिलते। तो ये गांव भी बड़े शानदार उगते हुए दिख रहे हैं अभी अपने को, ये ठीक उगे हैं, कोई हल्के नहीं है, तेजस गांव है गाइस अपना। तो अभी इसमें अपने पार्ट तो निकाल दिया था, बस ये इतने एकड़े बनाने के थे, पाल मिलाना थी पार्ट से इधर, तो ये मिला रहे हैं अपन और फिर इसमें देखेंगे कल परसों पानी छोड़ेंगे। इस खेत में पानी चल रहा है, अपन ने इसमें कल यूरिया उड़ाया था और वाला खेत हो गया है। उसके बाद उसके आगे 8 बीघा है, उसमें चलेगा ये बड़े खंबे वाला और ये जाम वाले खेत में, ये वाला होने के बाद। तो करते हैं इसको फटाफट, दोनों मोटर करवा दी है चल्लू पाइपलाइन में। ये इधर छोटी पाइपलाइन है फिर भी यहीं पे यहीं चल रही थी, तो ये पानी बढ़ गया। देखो 15 बीघा खेत है, इसमें एक पानी हुआ है अभी गेहूं में, सूखे में बोया था अपन ने ये, और फिर उगा ऊपर नीचे था ये, बाद में भी उगा है गेहूं, हो गया है ठीक ठीक। बट इस पार्ट में देखो नील गाय होनों के पैर कितने सारे हैं, इधर से निकल के गई है, बहुत परेशान कर रही है वो आजकल। और गेहूं तो हो जाएगा ये ठीक ठाक बढ़िया। इसमें जो बाद में उगा है वो गेहूं देख सकते हो, ये कितना उगा है बारीक बारीक, ये बहुत उगा है और हो जाएगा ये खेत भी बढ़िया। ये 8 बीघा वाले में पानी चल गया है जाम वाले खेत में, इसमें यूरिया भी उड़ा दिया है डबल, 4-5 बोरी यूरिया डबल कर दिया है इसमें, और पहले 8 बोरी उड़ाया था, 9 बोरी सॉरी, और अभी 5 बोरी, क्योंकि गेहूँ थोड़े हल्के लग रहे हैं इसलिए अपन डबल डबल भी उड़ा रहे हैं यूरिया। वैसे बाद में गेहूँ बहुत उगा है, ये भी अपन ने सूखे में ही बो दिया था, रेला नहीं था इसको, तो ये जो छोटा गेहूँ दिख रहा है नहीं, ये सब बाद में ही उगा हुआ है, ठीक हो जाएगा ये भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये होने के बाद फिर उधर ही पानी छोड़ेंगे अपन 15 बीघा में। फिर मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ, ये क्या अपन ने ये वाला गेहूँ है 7 इंच के गाले पे बोया था, ये देख रहा हूँ, और पाली भी साथ में ही निकाली थी सीढ़ी लिखे, ये बहुत ज़्यादा पास पास है, और उधर 8 इंची के गाले पे बोया हुआ है जो पाली अपन ने साथ नहीं निकाली थी। पर अभी फ़िलहाल कंडीशन ये है कि ये वाला गेहूँ बहुत बढ़िया दिख रहा है, अब निपत में कैसा क्या बैठेगा वो तो लास्ट में ही पता लगेगा। पर ये अपन ने करीब करीब 3-4 बीघा ऐसे ही बोया है, ये आधा खेत और आधा बिना पाली से बोया है। शाम का वक्त हो रहा है बढ़िया, और सूरज मेरे सामने है बहुत बढ़िया से, धूप खुली भी आप देख ही सकते हो, और बस आधा घंटा में रात होने लग जाएगी और ठंड का माहौल हो जाएगा। और अभी अपना इस वाले खेत में पानी चल रहा है, गेहूं इसमें कम ज़्यादा ही उगे थे अपने, बट बाद में अपन ने पानी छोड़ा तो सब उग गए हैं गेहूं, और थोड़े हल्के हैं, पीले पड़ रहे हैं, इसलिए अपन यूरिया भी डबल दे रहे हैं अभी, और चल रहा है पानी। और इन खेतों में टाइम लगेगा क्योंकि इधर अपना पूरा पानी नहीं आता है, एक मोटर ही चल रही है अभी, तो डबल टाइम लग जाता है, पर उधर अपन कवर कर लेंगे जल्दी। तो बस याले खेत में अपन डबल यूरिया दे रहे हैं क्योंकि हार्वेस्टर का गुंदा हुआ था और रेल के भी नहीं बोया था, तो अभी सारी यूरिया की थैली मैंने खेत में पटक दी है अकेले ने, और थक गया हूँ पूरा क्योंकि बहुत दूर ले जाना थी 15 बीघे ये खेत। तो अभी ट्रैक्टर को साइड में लगाते हैं अपन, और फिर मोटर भी यहीं चल रही है इधर, बबूले देख रहा हूँ कितने सारे आ गए। तो अभी हो गई है खेत पे अपने को शाम, और यूरिया उड़ा दिया है और घट भी गया है, 14 बोरी उड़ाई है अपन ने आज, और करीब करीब 1-1.5 बोरी और घट गया है थोड़ा, तो उसको कल उड़ा देंगे। और चल रहा है पानी अपना उधर, और इधर इधर हो गया है मतलब 3-1 बीघा हो गया है, 3-4 बीघा, और बाकी का बच्चा है 12-13 बीघा जो भी है। तो चलते हैं अभी, निकलते हैं घर, मस्त सुहाना मौसम हो रहा है अभी, आज अपनी लहसुन दिख रही है थोड़ी थोड़ी, देख रहा हूँ
एकदम लाइन से इधर वाले खेत में भी और इधर भी। अभी दो पानी हुए इसमें और एनपीके उड़ा दिया था अपन ने इसमें। तो ये वाला गेहूं भी अपना क्या शानदार उगा है, देख रहे हो पूरे खेत में 15 बीघा में पूरा कच्छ हो गया है खेत उधर से उधर और इधर भी। और अब इसमें पानी छोड़ेंगे कल अपन, उधर हो जाएगा अपना आज। उधर पानी सड़क की साइड अपना पानी कम जाता है, मतलब एक मोटर के ही जाता है कुल मिला के बात ही। तो अपने को टाइम बहुत खा जाए उधर खेत, इसलिए अब इधर अपन फटाफट करते हैं इसमें एक पानी। गेहूँ भी अच्छा बड़ा हो गया, उगा भी शानदार है, तो कल उधर हो जाएगा, मतलब कल इसमें छोड़ देंगे अपन पानी। अभी एक यूरिया की बोरी पटकी है अपन ने, लेट नहीं करना है इसको। तो अभी अपन पाइप कर रहे हैं वाले खेत में जो सबसे लास्ट में बोया था, 14-15 बीघा खेत है का वो। तो उसमें उधर तो होगा है सब 15 बीघा और 8 बीघा पूरा हो गया है, पूरा उधर का काम निपट गया है। अब इधर पाइप कर रहे हैं अपन, 3-4 रोल बिछाएंगे, कम से कम 6-7 रोल लगेंगे, तो 4 रोल तो वहाँ से उठा के ले आए अपन। तो करते हैं और देखते हैं, लंबे करते हैं पाइप। अभी अपन ने यहाँ पर भी मोटर चालू कर दी है पाइप पाइप करके, बहुत लंबी पाइप बिछाना पड़े 7-8 रोल अपने को, तब जाके यहाँ पर पानी आया। तो ये यहीं से पानी उधर चला जाएगा। तो अभी तो सरी काट दी है और यूरिया भी उड़ाना बाकी है इधर, अभी एक बोरी उड़ाई है। तो अभी अपन चलते हैं और फिर आते हैं, लाइट भी चली गई है अभी लगता है। तो यूरिया की थैली तो लिया है अपन खेत पे, ये देखो इस खेत में और उधर पानी चल गया है। तो देखते हैं कितनी उड़ती है इस पूरे खेत में। अभी तो मैं देख लो कितनी लाया हूँ, 9 9 तो पीछे हो गई और 4 आगे 13 13 थैली लेके आया हूँ मैं, और एक पहले उड़ा दी थी अपन। अभी अपना इधर इधर का डाल पूरा हो गया है पानी का, ये देखो कल छोड़ा था और यहाँ से लगा के ठेठ वहाँ तक इधर रास्ते वाला डाल पूरा हो गया है, इधर इधर का बचा हुआ है पूरा। और अभी उधर यूरिया उड़ाना भी बाकी है, उधर ऊपर ऊपर इधर इधर उड़ा दिया है। तो ये चल रही है मोटर मस्त, कल छोड़ी थी अपन। तो आज अपन दवा उड़ा रहे हैं, ये देखो नली लंबी कर रहे हैं, 8 8 9 बीघा में उड़ा दी है उधर। और अभी इसकी बारी है, एक टंकी इसमें लगेगी रायडे की 240। तो चल रहा है अभी नली ले जा रहा है, फिर वहाँ से इधर, फिर इधर पूरा खेती उड़ाना है, एक टंकी लगेगी शायद। वो वाला खेत हो गया है, अब इसकी बारी है, इसमें छिड़ते हैं दवा। नली वली लंबी कर ली है सब, और गेहूँ भी बढ़िया हो रहा है दोनों खेत में।